Hello kids, welcome back. This is your mentor Neetu. We are doing Cyber Creators Computer Book Class 3 by Brain Root. So today we are doing chapter number 3, Introduction to Windows 11. So we will talk about Windows 11 over here. Now in this chapter you will learn about Windows 11, features of Windows 11, the desktop, the snap feature, selecting and deselecting an icon, selecting adjacent and non-adjacent icons, opening an application, arranging the desktop icons, sorting the icons, changing the background of the desktop. जो मेन स्क्रीन होगी उसकी हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, एंड चेंजिंग द स्क्रीन सेवर एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करना है, कैसे ऑफ करना है, एंड शेप्स ऑफ माउस पॉइंटर. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर वी बिगिन, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज. विंडोज 11 से पहले विंडोज के काफ़ी वर्जन्स थे, लाइक विंडोज 1.0, लाइक लाइनक्स, यूनिक्स. सो देर आर सो मेनी वर्जन्स, यू कैन फाइंड आउट देयर नेम्स, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट इज विंडोज 11. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विंडोज 11. माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड विंडोज 11 इन अक्टूबर 2021. इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी GUI, that makes interaction between the computer and the user easy. Windows 11 की help से इसने क्या provide किया हमें? Graphical User Interface, GUI, जिससे computer और हम user आपस में easily interact कर सकते हैं. So without it you cannot even start a computer or work on it. बिना इसके आप सोच ही नहीं सकते computer start हो जाएगा या हम उस पर वर्क करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स सी द विंडो, लेट्स सी द स्क्रीन. उसके ऊपर क्या क्या मेन चीज़ें हैं हमारे पास? दिस वन द मेन स्क्रीन, इट इज सेट टू बी डेस्कटॉप. इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप. और यहाँ पे आपके पास स्मॉल स्मॉल इमेजेस हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? आइकन्स. दीज आर वॉट? दीज आर आइकन्स, ओके. और यहाँ पे जो आपके पास है ये विंडो का लोगो है, लाइक फोर स्क्वायर्स बने हुए हैं जो लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू शेड में है. तो दिस इज द स्टार्ट बटन. और यहाँ पे एक बार है, दैट इज द सर्च बॉक्स. कुछ भी हमें सर्च करना है हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. एंड दिस इज द टास्क व्यू बटन. And this is what? This is task bar. This is said to be task bar. And this is what? This is the notification area. See once again, the main screen is desktop. जो यहाँ पे small icons हैं, graphical images हैं, these are icons. And here start button. This is search box. This is task view button. This is task bar. And this is notification area. I hope it's clear to you. So now, let's see features of Windows 11. अब इसके features क्या हैं? Windows 11 has a complete set of new pictures, themes and icons. Windows 11 में एक complete set है जिसमें pictures हैं, themes हैं और icons हैं. The second one, it has a newly added snap layout feature that lets you choose different window layouts. इसमें एक नया फीचर है स्नैप लेआउट, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट लेआउट यूज कर सकते हैं. नाउ द थर्ड वन, इट हैज टास्क बार आइकन्स विच आर स्मॉलर इन साइज एंड द स्टार्ट बटन इज एट द सेंटर ऑफ द टास्क बार. ओके, नाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप इन अ विंडो 11. यू कैन ओपन चैट विंडो फ्रॉम द टास्क बार. हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल डेस्कटॉप, राइट? विंडोज 11 प्रोवाइड्स अ विंडो स्टोर एप्लीकेशन वेयर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फ्री और पेड एप्स एंड गेम्स. विंडो 11 हमें एक विंडो स्टोर एप्लीकेशन भी देता है
जहाँ पर हमारे पास फ्री और पेड ऐप्स हैं और गेम्स हैं. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ विंडोज 11. नाउ वन एक्स्ट्रा बाइट इज गिवन ओवर हियर. विंडो 11 हैज विजिट विच डिलीवर अ पर्सनलाइज्ड फीड ऑफ न्यूज, वेदर, ट्रैफिक, स्पोर्ट्स एंड स्टॉक मार्केट डाटा पावर्ड बाय एआई. विंडो 11 के पास विजिट्स भी है जिसकी हेल्प से हम किसी के बारे में, लाइक ट्रैफिक है, स्पोर्ट्स है, या वेदर है, या हमारी शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसके बारे में हम अपनी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज द डेस्कटॉप. द डेस्कटॉप आई हैव शोन यू. When you switch on a computer, जब हम computer switch करेंगे, on करेंगे, the Windows operating system starts loading into the computer's memory. तो क्या होता है, उसमें जो operating system है वो उसमें load करना शुरू कर देता है. This process is called booting. इसको हम क्या बोलते हैं, booting. After booting, you get the welcome and login screen. जब बूटिंग हो जाएगी उसके बाद आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी. देन द मेन स्क्रीन ऑफ द विंडोज अपीयर्स नोन एज द डेस्कटॉप. इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप. जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे उसमें लोडिंग होना शुरू होगा. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोडिंग करेगा कंप्यूटर मेमोरी में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग. बूटिंग के बाद क्या होगा, वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, दैट इज द डेस्कटॉप. The desktop has many components like icons, taskbar and so on. Let us learn about some of the desktop components. तो कुछ components हैं उसके बारे में हम learn करते हैं. See, now icons, the small labeled pictures or symbols present on the desktop are called icons. I have shown you. They are used to open specific programs or documents. An application is identified by its unique icon. हर एक application की अपना एक unique image है, unique icon है. Okay? यहाँ पर हमारे पास different symbols हैं, या आप pictures कह सकते हैं, जिसकी help से हम अपने programming को run कर सकते हैं. हमें उसमें कुछ भी use करना है according to our requirements, तो हम ये icons use करेंगे. Now Windows task bar. The task bar is a long horizontal bar located at the bottom of the desktop. It contains start button, task view button, clock, frequently used apps, etc. Okay, by default, the task bar is aligned at the center. वैसे task bar कहाँ पे हमें show होती है? Center पे. Okay, और इसके पास कौन-कौन से बटन्स हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? स्टार्ट बटन है, टास्क व्यू बटन है, क्लॉक है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्स, राइट. सो द नेक्स्ट इज चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टास्क बार. अब हम टास्क बार की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं. हाउ वी कैन डू दिस, यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार टू द लेफ्ट. ये सेंटर पे है, हम उसको लेफ्ट में भी ला सकते हैं, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. द फर्स्ट वन, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार एंड चूज टास्क बार सेटिंग्स. हमें ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करके ये ऑप्शन, टास्क बार सेटिंग ऑप्शन चूज करनी है. देन द सेकेंड वन, क्लिक ऑन द टास्क बार बिहेवियर सेक्शन एंड चूज द लेफ्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द टास्क बार अलाइनमेंट सेक्शन. आप देखो इसमें दिखा रहा है ये पर्सनलाइजेशन एंड टास्क बार, और आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, इसमें ऐसे आ जाएगा. यहाँ पर आप जब आइकन्स में देखेंगे पर्सनलाइजेशन गिवन है, आपने इस पर क्लिक किया तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा टास्क बार. तो यहाँ से आप क्या करेंगे, टास्क बार सेटिंग पे जाएंगे और वहाँ से आप उसको, जो भी आपने उसको अलाइनमेंट, जो भी आपने उसकी सेटिंग करनी है, यू कैन डू दैट वन. ओके, सो व्हेन यू विल डू प्रैक्टिकली इट वुड बी मोर क्लियर टू यू, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज कीपिंग द फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्स इन द टास्क बार. यू कैन कीप फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्स इन द टास्क बार
टू डू सो फॉलो दीज स्टेप्स. अभी हमने स्टडी किया था टास्क बार में स्टार्ट है, क्लॉक है, ओके और ये भी है, फ्रिक्वेंटली यूज ऐप्स भी हैं. तो नाउ कीपिंग द फ्रिक्वेंटली यूज ऐप्स इन द टास्क बार, इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन राइट क्लिक ऑन द ऐप फ्रॉम द पिंड सेक्शन दैट यू वॉन्ट टू ब्रिंग ऑन द टास्क बार. आप कुछ और ऐप्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, देन आपको पिंड सेक्शन में जाना पड़ेगा. पिंड से हम डिफरेंट ऐप्स लेके आ सकते हैं. देन सेलेक्ट पिन टू टास्क बार ऑप्शन, द ऐप विल अपीयर ऑन द टास्क बार. ओके, इट अलाउज यू टू असेस द ऐप क्विकली विदाउट सर्चिंग फॉर इट. इट्स वेरी इजी. जब वो ऐप टास्क बार में आ जाएगी तो आपने जब उसको यूज करना है यू कैन यूज इट. राइट, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज स्टार्ट बटन. द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ द टास्क बार. ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन अपीयर्स. जब आप क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन आ जाती हैं. यू कैन यूज द स्टार्ट बटन टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज स्टार्टिंग एन ऐप, ओपनिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, शटिंग डाउन द कंप्यूटर एंड मच मोर. हमें कुछ भी करना है, शट डाउन करना है या कोई ऐप स्टार्ट करनी है या फाइल या फोल्डर्स ओपन करने हैं तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस बटन एंड देयर ऑप्शंस. Now the top portion of the start menu display a list of the pinned app. Thereafter a list of recommended apps is displayed below the pinned apps. Okay, top portion of the start menu, उस पर हमें apps दिखाई दे जाएंगी जो हमने pinned किए, जो हमने select किए हैं और जो already उसमें हैं those are recommended apps, वो भी हमें visible हो जाएंगी. Okay, now टास्क व्यू बटन. यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप बाय होवरिंग द माउस ऑन द टास्क व्यू बटन एंड क्लिकिंग ऑन द प्लस साइन ऑन द न्यू डेस्कटॉप विंडो. यू कैन स्विच बिटवीन मल्टीपल डेस्कटॉप दैट आर हेल्पफुल फॉर कीपिंग प्रोजेक्ट्स अनरिलेटेड एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड. ओके, टास्क व्यू बटन जो टास्क बार में है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल डेस्कटॉप. ठीक है, उसके ऊपर क्या है, एक प्लस साइन है जहाँ पे आप क्लिक करेंगे. राइट, तो आप मल्टीपल डेस्कटॉप के बीच में स्विच भी कर सकते हैं. मींस उनको अगर आपने देखना है, आपस में देखना है, देन यू कैन गो थ्रू दैट वन. ओके, सो नाउ the next is this one they are showing over here. Like screen पे आपके पास कैसे आ जाएगा, देखो ये desktop है. ओके, यहाँ पे search जो task bar जो नीचे है ये search box है यहाँ पर. right, this is the start button जो अभी I have shown you. तो यहाँ पे आपके पास new desktop आ जाएगा और ये plus sign आ जाएगा. right, so the next is search box. You can search for any application or document using the search box present on the taskbar. जो आपके पास सर्च बॉक्स है इसमें आप कुछ भी टाइप करके अपनी जो भी आपने इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, जो भी आपने ऐप फाइंड करनी है, यू कैन डू. सो इन द ब्लैंक फील्ड ऑफ द सर्च बॉक्स टाइप द नेम ऑफ द फाइल और एप्लीकेशन. आप टाइप कर दो फाइल या फिर जो भी एप्लीकेशन है. टू ओपन इट क्लिक ऑन द डिस्प्लेड एप्लीकेशन, उसको क्लिक कर देंगे तो आपके पास लाइक दिस यू कैन सी दिस स्क्रीन. व्हाट्सएप, इन्होंने व्हाट्सएप पे सर्च किया है तो व्हाट्सएप ये आपके पास इट विल कम लाइक दिस. राइट, सो यू कैन सी ओवर हेयर यू कैन फाइंड एनी ऐप by using this search box. Now notification area, I have shown you this one also. The right end of the taskbar is known as a notification area. It includes a clock,
battery, Wi-Fi, volume, and a group of icons that show the status and notification about the programs running on a computer. Notification means ये हमें बताता है प्रोग्राम की रनिंग के बारे में, वो क्या कर रहा है, क्या चल रहा है. ओके, करंट पोजीशन या करंट जो भी उसका उस टाइम पे प्रोसेसिंग हो रही है. सो वी कैन सी अकॉर्डिंग टू दिस, राइट. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी एटसेट्रा, उसमें कौन से सॉफ्टवेयर अपडेशन है और उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है. सो वी कैन डू बाय यूजिंग दिस नोटिफिकेशन एरिया. नाउ द शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार. यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज एंड व्यू द डेस्कटॉप. बाकी जितने भी विंडोज हैं वो सब मिनिमाइज हो जाएंगी, आपके पास डेस्कटॉप आ जाएगा बाय दिस बटन शो डेस्कटॉप. ओके, राइट. नाउ यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू द डेस्कटॉप, लेट अस टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू नो अबाउट सम ऑफ द बेसिक ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म ऑन योर डेस्कटॉप. अब हमें डेस्कटॉप थोड़ी पिक्चर क्लियर हो गई है, अब हम उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वी कैन फाइंड आउट. नाउ दिस इज द स्नैप फीचर. वॉट इज दिस? दिस इज द स्नैप फीचर. स्नैप फीचर इज अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी बाय शेयरिंग मैनी ऐप विंडोज ऑन अ सिंगल स्क्रीन. द स्नैप फीचर इन विंडो 11 हैज सम प्री डिफाइंड लेआउट्स टू स्नैप ऑल योर ओपन विंडोज. टू ओपन स्नैप लेआउट यू सिंपली ओवर द माउस ओवर द मैक्सिमाइज बटन ऑफ एनी ओपन ऐप एंड चूज द लेआउट ऑफ मल्टीपल विंडोज. आप मैक्सिमाइज बटन के ऊपर माउस को चला देंगे और क्या करेंगे, मैक्सिमाइज बटन किसी भी ऐप का, जो भी आपने ऐप ओपन है उसके मैक्सिमाइज बटन पे आप माउस को जब ओवर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू कैन चूज अ लेआउट ऑफ मल्टीपल विंडोज. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग एंड डी सेलेक्टिंग एन आइकन. अब हमें किसी आइकन को कैसे सेलेक्ट करना है या कैसे डी सेलेक्ट करना है. द फर्स्ट वन इज सेलेक्टिंग एन आइकन. टू सेलेक्ट एनी आइकन सिंपली क्लिक ऑन इट. वॉट टू डू? कोई भी आइकन सेलेक्ट करना है तो उसके ऊपर क्लिक कर दो, राइट. देन इट विल बी हाईलाइटेड एंड सेलेक्टेड. वो हाईलाइट हो जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा. आपने कुछ भी करना है, लाइक इन्होंने क्या किया, ये आइकन से इन्होंने दिस पीसी पे क्लिक कर दिया तो वो हाईलाइट हो गया. ओके, नाउ डी सेलेक्टिंग एन आइकन. टू डी सेलेक्ट एन आइकन क्लिक अवे फ्रॉम द सेलेक्टेड आइकन, द आइकन विल बी deselected, right. Now selecting adjacent and non-adjacent icons. So selecting adjacent icons means जो साथ साथ हैं, तो उनको हम कैसे select करेंगे. Left click on the first icon to be selected. First icon पे left click करेंगे. Hold down the shift key and click on the last icon. और last icon तक उसको ले जाएंगे, shift key को hold down करेंगे. Then release the shift key, all the adjacent icon will be selected. तो जहाँ से जहाँ तक हमने उसको option दी है, these icons would be selected. Okay? Now the next is selecting non-adjacent icons. So hold down the control key, click on each of the icons to be selected one by one. हमने क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड डाउन किया और वन बाय वन आइकन्स को सेलेक्ट किया, क्लिक किया. इन दिस वे यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट आइकन्स, राइट. क्योंकि वो साथ साथ नहीं है तो उनको वन बाय वन करना पड़ेगा. नाउ ओपनिंग एन एप्लीकेशन. किसी एप्लीकेशन को हम कैसे ओपन करते हैं. On the desktop, click on the icon that you want to select and press the enter key. The application window will open. Okay, or double click the left mouse button on the application icon to
ओपन इट। आप डबल क्लिक कर देंगे लेफ्ट माउस बटन पे तो वो आइकन जो है वो ओपन हो जाएगा। नाउ अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स। अब हमें जो आइकन दे रखे हैं उसको हमें अरेंज करना है। सो एज यू अरेंज योर स्टडी डेस्क टू मेक इट टाइडी, सिमिलरली यू कैन अरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप टू गिव इट अ बेटर लुक। टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप्स। जैसे हम अपना रूम सेट करते हैं, अपना स्टडी टेबल सेट करते हैं कि वो अच्छा लगे, नीट एंड टाइडी लगे, तो सेम हम जो आइकन्स हैं उनको अरेंज करते हैं। उसके लिए देर आर सम स्टेप्स। वॉट आर दी स्टेप्स? सो वॉट टू डू, द फर्स्ट वन, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। आपने क्या करना है, ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक किया, देन यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑप्शन कॉल्ड द शॉर्टकट मेन्यू। आपके पास क्या आ जाएगा, शॉर्टकट मेन्यू। देन सेलेक्ट द व्यू ऑप्शन, उसमें से आपने व्यू ऑप्शन सेलेक्ट किया। फिर क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकन्स ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू एंड ऑब्जर्व द चेंज। फिर आपने उस पर ऑटो अरेंज आइकन्स होगा उस पर क्लिक कर देना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइक सी, यू कैन सी ओवर हियर, जब हमने व्यू आया, व्यू के बाद ये आपके पास आ जाएंगे, जिसमें आपके पास यहाँ पे आ रहा है ऑटो अरेंज, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन्स। तो हमने किस पे कर देना है, ऑटो अरेंज पे। वंस अगेन यू कैन सी, आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, आपके पास क्या आएगा, शॉर्टकट मेन्यू आएगा, उसमें से आपने व्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, जिसमें से आपने ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक करना है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ सॉर्टिंग द आइकन्स। सॉर्टिंग द आइकन्स मीन्स अरेंजिंग देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप्स। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, ओके, देन अ शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर, राइट, देन सेलेक्ट द सॉर्ट बाय ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द साइज ऑप्शन। जैसे आपने अभी प्रीवियस में किया था वैसे इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे आ जाएगा सॉर्ट बाय, तो आपने इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है इसको और फिर साइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। द आइकन्स विल बी अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फाइल साइज। तो फाइल साइज के अकॉर्डिंग आइकन्स जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे। फाइन, नाउ चेंजिंग द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। अब हमें डेस्कटॉप की बैकग्राउंड चेंज करनी है। अब बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर। यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप्स। हम अपनी चॉइस का चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, राइट क्लिक किया, देन चूज पर्सनलाइज ऑप्शन, क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग करना है तो उसमें क्या ऑप्शन है, चूज पर्सनलाइज, राइट, देन फ्रॉम द सेक्शन सेलेक्ट द थीम टू अप्लाई, चूज एनी थीम फ्रॉम द गिवन लिस्ट। जब आप पर्सनलाइज ऑप्शन को चूज करेंगे तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऐसे सेलेक्ट द थीम टू अप्लाई, तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी थीम्स गिवन होंगी, लाइक इमेजेस गिवन होंगी। देन यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ योर डेस्कटॉप फ्रॉम द पर्सनलाइजेशन बैकग्राउंड, पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड ऑप्शन। अगर हमें उसका कलर चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सनलाइजेशन बैकग्राउंड, पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड ऑप्शन। इन द लिस्ट नेक्स्ट टू पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट पिक्चर सॉलिड कलर और स्लाइड शो। सो क्लिक ऑन द सॉलिड कलर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सो यू विल गेट द कलर पैलेट, सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस, ओके।
तो आप इसमें जितना प्रैक्टिकली करेंगे उतना आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम उसमें ऑप्शन अपने आप सेलेक्ट करके देखेंगे उस ऑप्शन से क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो अ प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड बैकग्राउंड विल अपेयर इन द प्रीव्यू सेक्शन। जब आपके पास देख सकते हैं आप स्क्रीन पे यहाँ पर क्या आ रहा है, पर्सनलाइजेशन एंड बैकग्राउंड। तो जो ये कलर पैलेट है यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया, यू कैन सी ओवर हेयर, ओके। सो और यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें इन्होंने सॉलिड कलर पे क्लिक किया हुआ है, तभी कलर पैलेट आपके पास आ जाएगा, राइट। नाउ द सेलेक्टेड कलर विल बी सेट एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपके डेस्कटॉप की बैकग्राउंड बन जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। द स्क्रीन सेवर इज एन इमेज दैट पॉप्स अप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेनेवर अ कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडियल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। By pressing any key or moving the mouse, you can again get back to the normal screen. Follow the given steps to change the screen saver. जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन सेवर चेंज करते हैं, ऐसे ही हम अपना डेस्कटॉप में कंप्यूटर पर कर सकते हैं। How we can do it? Right click on the blank area of the desktop. Then click on the personalize option from the shortcut menu, जैसे हमने पीछे किया था। Then the personalization window will appear, okay, and then select the lock screen option from the right pane, lock screen option, okay, then click on the screen saver option. The screen saver settings dialog box will appear. आप यहाँ देख सकते हैं screen saver setting आ गई, ये screen saver है। नीचे हम देख सकते हैं स्क्रीन सेवर सेटिंग्स प्रीव्यू वेट, यहाँ पे आप कुछ नंबर्स फीड कर सकते हैं, मिनट्स, ओके। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर दीज। सो द स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर लाइक दिस, देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द स्क्रीन सेवर सेक्शन एंड सेलेक्ट एनी स्क्रीन सेवर ऑफ योर चॉइस। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देर आर सो मैनी स्क्रीन सेवर ऑप्शन, आप कुछ भी उसमें से चूज कर सकते हैं। अ प्रीव्यू ऑफ द स्क्रीन सेवर विल बी डिस्प्लेड, जो भी आपने चूज किया है वो आपको दिखाई दे जाएगा, ओके, डिस्प्ले हो जाएगा। सी द टाइम इन द वेट बॉक्स एज पर योर नीड, यूज द अप एरो टू इंक्रीज द टाइम एंड डाउन एरो टू डिक्रीज इट, क्लिक ऑन ओके। जो भी आप उस पर स्क्रीन सेवर सेट कर रहे हैं कितने टाइम के लिए, यहाँ लिखा है वेट एंड हियर टाइम, अप एरो है, डाउन एरो है। अप एरो मीन्स इंक्रीज द टाइम, डाउन मीन्स डिक्रीज द टाइम। तो यहाँ पे आप टाइम अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं, देन क्लिक ऑन ओके, राइट। इट्स क्लियर टू यू। Now, you can open the screen saver setting dialog box directly by typing screen saver in the search box and selecting the change screen saver from the displayed option. Now, shapes of mouse pointer. You must have observed that while working on the computer, the shape of the mouse pointer changes according to the actions you perform. Some of the common shapes of the mouse pointers are discussed. This is the normal, like arrow. This arrow is used for pointing, selecting and dragging the items on the screen. कुछ हमें point करना है, select करना है या drag करना है, तो हम ये वाला symbol use करते हैं. This circle, it means that busy. Busy. It is like a circle. It means that the computer is busy and wants you to wait. Okay? The next symbol is double-headed arrow. Double-headed, dono side arrow aa jayega, to what's the meaning? Now the next is double-headed arrow means dono side pe arrow hoga. So what it means?
This arrow is used for resizing the windows or pictures. अगर हमें उनका साइज चेंज करना है विंडोज का या पिक्चर का, बड़ा या छोटा करना है, तो दिस एरो वी यूज. नाउ फोर हेडेड एरोज लाइक दिस. दिस एरो इज यूज फॉर मूविंग पिक्चर्स एंड टूल बार्स. नाउ द नेक्स्ट इज आई बीम लाइक आई. दिस एरो इंडिकेटर इज यूज फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. ओके, अगर हमें कहीं पर डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट डालना है तो ये एरो आएगा. देन वर्किंग इन बैकग्राउंड, दिस इट मीन दैट द कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग व्हाइल यू आर वर्किंग. ओके, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज सिंबल्स. नाउ शटिंग डाउन अ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर को ऑफ कैसे करना है. शटिंग डाउन मीन्स टू टर्न ऑफ अ कंप्यूटर. टू शट डाउन योर सिस्टम फॉलो द स्टेप्स. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, पहले हमें स्टार्ट बटन भी क्लिक करना है. नाउ क्लिक ऑन द पावर बटन, फिर हमें पावर बटन भी क्लिक करना है. देन सेलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन. द सिस्टम विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू शट डाउन. ओके, पावर के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, शट डाउन ऑप्शन, उस पर हमें क्लिक करना है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शट डाउन ये शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा. राइट, नाउ कंप्यूटर मैनर. डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग नियर अ कंप्यूटर. इफ यू स्पिल समथिंग ऑन द कीबोर्ड द कीज कैन गेट स्टक. ओके, नाउ लेट अस रिवाइंड. विंडोज 11 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. The small labeled pictures on the desktop are known as icons. The start button is used to perform common tasks such as starting a program, opening files and folders and much more. Okay? The task view button is used to open multiple desktop. A screen saver is an image that pops up on the screen whenever a computer remains idle for a short time. The shape of the mouse pointer changes according to the actions you perform. Okay, so I hope it's clear to you. Go through this chapter. Any problem, we can discuss it. So now let's come to the exercise. Check yourself. A part, tick the correct option. So the first one is which program manages all the jobs of a computer. So that is C, operating system. The second one, the small labeled pictures on the desktop are known as icons. The third one, you can change the wallpaper of your computer by clicking on which option, that is personalize. Now to shut down your computer, you need to click on which button, that is power. Okay, now the next is filling the blanks. The dash is the main screen of Windows 11 which appears after the welcome and login screen. What is the dash? That is desktop. Kya bolte hain isko? Desktop. Second, the option to arrange icons on the desktop in a proper order is? Second one, the option to arrange icons on the desktop in a proper order is? Auto arrange, auto arrange icon. Okay, next the third one, the dash is a long horizontal bar at the bottom of the desktop, that is taskbar. Fourth one, the dash button provides the ability to open multiple desktop at the same time. Task view. Okay. Now, see, right, true or false? The first one, the clock is present on the taskbar. Yes, this is true. The second one, you can change the background of your desktop. Yes, this is true. By default, the taskbar is aligned to the right of the desktop. No, this is false. It is aligned at the center. The fourth one, you cannot search for an application using the search box. This is also false. We can search any application.
right? Now the D part, write down the steps to arrange the desktop icons. तो आप क्या करेंगे? Right click on the blank area of the screen. आपके पास क्या आ जाएगा फिर? Click on the start button. आपके पास उसके बाद आपके पास shortcut icons आ जाएंगे. Then उसमें से आपने क्या select करना है? Auto arrange icon. तो आपके पास वो arrange हो जाएंगे, right? Now, E part, answer the question. The first one, list any two features of Windows 11. Windows 11 के features हैं. क्या क्या है आपके पास features? It is user friendly. हम easily interact कर सकते हैं computer के साथ. इसमें already paid apps हैं, apps भी हैं, games हैं हमारे लिए, okay? And safety point of view से भी, it's very good. So, there are so many features, you can write any two. Now, what is a desktop? Desktop क्या है? जब हम start button पे press करते हैं, तो उसमें operating system क्या करता है? Loading start हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? Booting. और booting के बाद हमारे पास main window या main screen आ जाती है. That is the desktop, welcome screen. Okay, then what is the desktop background? जो भी desktop, जो भी main window है, जो main screen है, उसका जो background है, that is the desktop background. Now the fourth one, list any two components of the taskbar. Taskbar के ऊपर कौन-कौन से components हैं? You know very well, clock है, start button है, task view button है. So you can write. और new frequently added apps भी हैं. तो there are so many buttons and you can choose any two option. You can write it in your own language. So I hope it's clear to you. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.